नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बालाजी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेविको बिस्कुट कंपनी के गोदाम में आग लागी। विद्युत शॉर्ट होके आग लागी भइल प्रहरी के अनुमान। नेकपा एमाले द्वारा विधान मसौदा खातिर आंशिक सुझाव संकलन शुरू। इतवार के केंद्रीय कमेटी के बैठक बैठी। जापान सरकार द्वारा देहल 5,30,420 डोज एस्ट्राजेनेका का खोप आज नेपाल आपुगल। जापानी राजदूत की कुता द्वारा स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वास्थ्य खोप हस्तांतरण। अफगानिस्तान के प्रांतीय राजधानी में तालिबान के कब्जा। सरकारी सुरक्षा बल के गंभीर धक्का। और विश्व खेलकूद के 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद टोक्यो ओलंपिक जापान में जारी। पदक तालिका में चीन के अग्रता कायम। काठमांडू के बालाजू स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रहल नेविको बिस्कुट के कारखाना में लागल आगी नियंत्रण में आ चुकल बा। सवेरे 2 बजे से लागल आगी हेलीकॉप्टर से पानी डाले से लेके दमकल के प्रयोग के बाद करीब 9 घंटा के बाद नियंत्रण में आयल ह। सिमरिक एयर के हेलीकॉप्टर से रानी पोखरी आ माछा पोखरी से पानी ढोके आगी नियंत्रण के प्रयास कल गल रहे। वही लेखा दमकल प्रहरी आ स्थानीय बासी से भी आगी नियंत्रण में खटल गल रहे। आगलागी से कारखाना के एगो भवन में पूरे क्षति पुगल बा। आगी के कारण से कोना कारण से लागल अभी तक नहीं खुल सकल। आगलागी के कारण कितना क्षति पुगल कह वाला विवरण भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकल। नेकपा एमाले द्वारा विधान अधिवेशन में पेश होखे वाला विधान मसौदा खातिर आवश्यक सुझाव संकलन शुरू कल गेल बा। देश संघीय संरचना में जा चुकल कारण उहे मुताबिक के विधान बनावेला पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफल प्रारंभ कैल। प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी दिले बानी। एमाले से आबे वाला भादो 27 आ 28 गते खातिर विधान अधिवेशन तय कल गेल बा। आसिन के पहिल का सप्ताह भीतरे पालिका स्तर के कमेटी के अधिवेशन संपन्न करके कार्यतालिका सार्वजनिक कैल गेल बा। ओ खातिर इतवार के केंद्रीय कमेटी के बैठक बैठे वाला बा। एने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष द्वारा भी पार्टी एकता के प्राथमिकता में रख के संघर्ष करे के जनावल गेल बा। जापान सरकार द्वारा देहल 5,30,420 डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आ पुगल बा। जापान से नेपाल सरकार के दिवे के कहल 16 लाख डोज मधे 5,30,420 डोज खोप आज सवेरे कतार एयरवे से नेपाल आ पुगल ह। जापान के तरफ से नेपाल खातिर जापानी राजदूत युताका किकुता स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ के खोप हस्तांतरण कैले बानी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रेष्ठ जापान संगे नेपाल के संबंध पुरान रहल कहत खोप हस्तांतरण कैल गेल में धन्यवाद देले रहनी। खोप हस्तांतरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव रोशन पोखरेल लगात यूनिसेफ के प्रतिनिधि सबके भी सहभागिता रहे। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण करे खातिर नेपाल मास्क अभियान आज से शुरू कल गेल बा। मास्क पहिरे के उपाय महत्व के बारे में जनचेतना फैलावे के उद्देश्य के साथ अभियान शुरू कल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। अभियान के आज औपचारिक उद्घाटन करके दैनिक रूप में जनचेतना मूलक सामग्री के उत्पादन प्रसारण जनचेतना मूलक सांगीतिक कंसर्ट आदि विभिन्न कार्यक्रम करके सप्ताहव्यापी रूप में मनावे के कार्यक्रम रहल बतावल गेल बा। अभियान साउन 29 गते तक संचालन होगी। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर अधिकारी से जन स्वास्थ्य के मापदंड में कड़ाई करेला हम भी मास्क पहिरेम दूसरा के भी पहिरे के प्रेरित करेम हम जिम्मेवार नेपाली कहवाला नारा के साथ अभियान शुरू कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आर्थिक अनियमितता में संलग्न ऊपर कार्यवाही करे के प्रतिबद्धता जनौले बानी। राज्य मंत्री श्रेष्ठ जनस्वास्थ्य जैसन संवेदनशील विषय में खिलवाड़ करे वाला ऊपर कड़ा कार्यवाही करेला सरकार से अलगे अनुगमन इकाई बनावे के लागल भी जानकारी देने।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सुक्के बैठक में वहां के सीनेट बैठक बुला के छानबीन समिति गठन करके कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ावे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी हा। वहां के सीनेट के बैठक ना बैठ के दोषी ऊपर कार्यवाही करे के अवस्था ना भैला से सरकार द्वारा जल्दी सीनेट के बैठक बुलावे लागल जानकारी कराने। राज्य मंत्री श्रेष्ठ जन स्वास्थ्य जैसन संवेदनशील विषय में खिलवाड़ करे वाला ऊपर कड़ा कार्यवाही करेला सरकार से मंत्रालय में अलगे अनुगमन इकाई बनावे लागल भी जानकारी देहनी। वहां के सार्वजनिक महत्व के संस्था सबके जत्था भावी करे ना देवेला अनुगमन संयंत्र बनावे पड़े के जरूरत देखावत ओ तरफ सहयोग करेला आग्रह भी कैनी हा। बैठक में समिति के सदस्य लोग से जन स्वास्थ्य जैसन संवेदनशील क्षेत्र में बंद हड़ताल करे वाला कर्मचारियों पर कड़ा कार्यवाही करे ना सकल कहत सरकार के कड़ा आलोचना कैनी। समिति के सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री खगराज अधिकारी आंदोलन करके प्रतिष्ठान के बंद करावे वाला कर्मचारी ऊपर कड़ा कार्यवाही करेला सरकार के ध्यानाकर्षण करौनी हा। वहां के भ्रष्ट सबसे स्वास्थ्य सेवा देवे वाला संस्था में जरा गाड़ के बैठला पर भी सरकार गंभीर ना भइल आरोप लगौनी हा। पूर्व शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल प्रतिष्ठान के उपकुलपति के देहल असीमित अधिकार तत्काल कटौती करेला सरकार के सचेत भी करौनी हा। बैठक में समिति के सदस्य लोग से सार्वजनिक सेवा प्रवाह के क्षेत्र के चुस्त दुरुस्त बनावे खातिर सरकार के सचेत करावल गेल रहे। पूर्व अर्थ मंत्री लोक से उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी केंद्रित होके किसिम से मौद्रिक नीति लियावेला नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव देहल गेल बा। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के सुक्के बैठक में पूर्व अर्थ मंत्री सब डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सुरेंद्र पांडे आवर्षमान पुन से निर्यात मूलक उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी केंद्रित होके किसिम से मौद्रिक नीति लियावेला सरकार से आग्रह कैनी हा। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहल डॉक्टर भट्टराई कर्जा के अभाव में आगे बढ़े ना सकल ग्रामीण क्षेत्र में लगानी के वातावरण होके किसिम से लगानी केंद्रित ना भइला से बैंक मोटावे के आदेश सा जनता गरीब होते जाय के अवस्था आयल उल्लेख करत ओकर अंत होके किसिम से मौद्रिक नीति लियावे पड़े के जरूरत दिखौनी हा। नेकपा इमाले के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री पांडे निर्यात मूलक और उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी करके रोजगारी सृजना होके किसिम से क्षेत्र में लगानी केंद्रित होके के मौद्रिक नीति लियावे पड़े के स्पष्ट कहनी। वहां के अनुचित खर्चा कटौती करेला घर आ सवारी में कैल गेल कर्जा प्रवाह कम करते ले जाए किसिम से मौद्रिक नीति लियावेला भी राष्ट्र बैंक के ध्यानाकर्षण करौनी। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री पुन उद्यमशीलता के क्षेत्र में लगानी केंद्रित होके किसिम से मौद्रिक नीति लियावे पड़े में जोर देनी हा। शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार में कर्जा प्रवाह करे के व्यवस्था के सहजीकरण करके देश के आर्थिक रूप से सबल बनावे के सिम से आगे बढ़ेला राष्ट्र बैंक के आग्रह कैनी हा। उलोक से ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के वातावरण बनावे के सिम से मौद्रिक नीति लियावे पड़े के भी जोर देहल गेल रहे। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के पहिलका 20 दिन में करीब 2 अरब बराबर के बजट खर्चा भइल महालेखा नियंत्रक कार्यालय जनौले बाटे। महालेखा नियंत्रक कार्यालय के मुताबिक बुध तक कुल 1,91 करोड़ रुपया खर्चा भइल जनावल गेल बा। खर्चा भइल ज्यादातर रकम चालू खर्चा अंतर्गत के रहल कार्यालय जनौले बा। ओहि लेखा राजस्व तरफ 3,80 करोड़ अर्थात लक्ष्य के 3.31% रकम संकलन भइल बा जौन पिछला आर्थिक वर्ष के उही अवधि के तुलना में बेसी हा। कार्यालय के मुताबिक सरकार द्वारा 20 दिन में करीब 1,58 करोड़ रुपया बराबर के चालू खर्चा कल गेल बा तो 33 करोड़ रुपया बराबर के पूंजीगत खर्चा कल गेल बा। पूंजीगत खर्चा कम होके के आ विकास निर्माण के काम में ढिलाई होके वाला समस्या विगत के ही समस्या भइल कहत वहां के एक सुधार करे पड़े के अर्थविद सबके कहना बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अफगानिस्तान में निरंतर आपन प्रभाव बढ़ाते ले जा रहल तालिबान से प्रांतीय राजधानी में भी आपन नियंत्रण कायम कल गल बा। दक्षिण पश्चिमी प्रांत निमरोज के राजधानी जारांज तालिबान से कब्जा कल गल बा। तालिबान के नियंत्रण में गैल ई पहिलका प्रांतीय राजधानी भी है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव रहल तालिबान से शहरी क्षेत्र के भी निशाना बनावते ले जा रहल बा। उहे क्रम में सुक्के तालिबान जारांज नियंत्रण में ले रहे। इस साल सन 2021 के शुरुआत से तालिबान से शुरू कल गेल कब्जा अभियान अंतर्गत उ लोग से विजय प्राप्त कल पहिलका प्रांतीय राजधानी बनल बा। स्थानीय अधिकारी सब द्वारा तालिबान से राजधानी कब्जा कल पुष्टि कल गेल बा। सरकारी सुरक्षा बल खातिर ई गंभीर धक्का है। अमेरिकी सहित के विदेशी सैनिक के अंतिम समूह फिरता होके के क्रम जारी रहल बेरिया तालिबान से अपन प्रभाव बढ़ाव दे ले जावल गेल बा। अमेरिका से 20 बरस से जारी सैन्य अभियान अंत करे के घोषणा करत अपन सैनिक सब फिरता ले जावे के शुरू कैला बा। तालिबान की गतिविधि बढ़ती जा रहल बा। ज्यादातर अमेरिकी सैनिक फिरता हो चुकला पर भी अमेरिका से अफगान सैनिक के सहयोग में हवाई आक्रमण के जारी राखल गेल बाटे। आप खेलकूद समाचार। विश्व खेलकूद के 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद टोक्यो ओलंपिक जापान में जारी बाटे। टोक्यो में जारी ओलंपिक के 14वां दिन के खेल उरेला पर 293 स्वर्ण पदक के निष्कर्ष लाग चुकल बा। जिमे रशियन ओलंपिक टीम सहित कुल 63 राष्ट्र से स्वर्ण पदक जीतल गल बा। सुक्के खेल उरेला तक पदक तालिका में चीन अपन अग्रता के कायमे रखले बा। चीन के अमेरिका पीछा कर रहल बा। चीन से 36 स्वर्ण पदक सहित कुल 79 पदक जीतल जा चुकल बा। दूसरका स्थान के अमेरिका के 31 स्वर्ण पदक सहित कुल 98 पदक बाटे। तीसरका स्थान में रहल जापान के 24 स्वर्ण सहित कुल 51 पदक बाटे। ग्रेट ब्रिटेन 18 स्वर्ण के साथ 58 पदक जीत के चौथा स्थान में रहल बिरिया। रशियन ओलंपिक कमेटी 17 स्वर्ण के साथ कुल 62 पदक जीत के पांचवा स्थान में बाटे। इंग्लिश क्लब एस्टन विला और स्पेनिश क्लब सेविया बीच के मैत्रीपूर्ण खेल रद्द भइल बाटे। कोरोना वायरस के कारण प्रीमियर लीग क्लब आ ला लीगा क्लब बीच के मैत्रीपूर्ण रद्द भइल ह। विला पार्क में होखे वाला दोनों टोली बीच के मैत्रीपूर्ण शनिचर के होखे के तय भइल रहे, लेकिन सेविया कोविड-19 के कारण देखावत इंग्लैंड के भ्रमण ना करे के जनौले बा। वही लेखा सेविया ला लीगा के नया सीजन शुरुआत ना होखे तक कोनो भी मैत्रीपूर्ण खेल ना खेले के जनौले बाटे। एस्टन से सेविया संगे के खेल के प्री सीजन के अंतिम मैत्रीपूर्ण खेल के रूप में लेहल गेल रहे। एस्टन से अगस्त 14 में वाटफोर्ड के साथ खेलत नया सीजन के शुरुआत कल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बालाज औद्योगिक क्षेत्र स्थित निडिको बिस्कुट कंपनी के गोदाम में आग लागी। विद्युत शटरों के आग लागी भैल हो सके के प्रहरी के अनुमान। नेकपा एमाले द्वारा विधान मसौदा खातिर आवश्यक सुझाव संकलन शुरू। इतवार के केंद्रीय कमेटी की बैठक बैठी। जापान सरकार द्वारा दिहल 5,13,420 डोज एस्ट्राजेनेका खोप आज नेपाल आपुगल। जापानी राजदूत किकुता द्वारा स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खोप हस्तांतरण। अफगानिस्तान के प्रांतीय राजधानी में तालिबान के कब्जा सरकारी सुरक्षा बल के गंभीर धक्का। और विश्व खेलकूद के 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद टोक्यो ओलंपिक जापान में जारी। पदक तालिका में चीन की अग्रता कायम। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब ट्विटर फेसबुक हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।